विद्या विहार रेजिडेंशियल स्कूल परोरा पूर्णिया, बिहार का प्रीमियर रेजिडेंशियल स्कूल, CBSE अफिलेटेड, ISO 9001 सर्टिफाइड, +2 लेवल बॉयज स्कूल, +2 साइंस स्ट्रीम में लड़कियों को भी मौका। 30 एकड़ कैंपस में संपूर्ण विकास की व्यवस्था। क्लास 4 से 8th और 11th साइंस में एडमिशन के लिए कॉल करें 9204068907 और विजिट www.vidyavihar.org। बाजना नगर पंचायत के बरा बाजार मोहल्ले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के निकलने से लोगों में सनसनी फैल गई। कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मेन रोड पर खाद बीज की दुकान करता था, जिससे स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन हरकत में आ गई और कोरोना संक्रमित व्यक्ति के घर से 250 मीटर के एरिया को सील कर दिया गया है, जिससे कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और न ही किसी व्यक्ति को हॉटस्पॉट एरिया में किसी भी तरह का आवागमन करने की इजाजत होगी। जिसमें पॉजिटिव व्यक्ति का, जो कि बाजना में ही मेन रोड पर खाद बीज की दुकान करते हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पॉजिटिव व्यक्ति अन्य बीमारी से पहले ग्रसित था, जो कि मेट्रो अस्पताल फरीदाबाद में दवा लेने के लिए गए थे। वहां पर कोरोना टेस्ट भी हुआ था, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। परिवार ने पॉजिटिव व्यक्ति की रिपोर्ट आते ही तत्काल अपने निजी वाहन से छाता हाईवे स्थित KD अस्पताल में भर्ती कराया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने परिवार के सदस्यों सहित कुल 7 लोगों को क्वारंटाइन के लिए वृंदावन भेज दिया है। नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा हॉटस्पॉट एरिया से 250 मीटर की सीमा में सैनिटाइजेशन और सफाई काम किया। इसमें नगर पंचायत के कर्मचारी चौधरी ऋषिपाल सिंह, प्रमोद पाठक, बरा बाजार सभासद, भोला सेठ, व्यापार मंडल के महामंत्री मुकेश और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ स्थानीय थाना और चौकी का फोर्स मौके पर पहुंचा और वहां लोगों को हॉटस्पॉट एरिया में आने से मना किया। साथ में सोशल डिस्टेंस और फेस मास्क सैनिटाइजर का पालन करने का निर्देश दिया। देखिए, बाजना में एक महेश चंद्र जी हैं, जो कि उनको फीवर वगैरह की शिकायत थी। वो फरीदाबाद गए हुए थे फोर्टिस अस्पताल में अपना फीवर का चेक कराने के लिए। वहाँ के डॉक्टरों ने उनकी कोविड की भी 19 की भी जांच कराई। जांच में उनका पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद हमें जो कंट्रोल रूम से इंफॉर्मेशन मिली, इमीडिएटली हम लोगों ने एक्शन लिया। उनकी फैमिली को हम लोग क्वारंटाइन कर रहे हैं। सम ऑफ द मेम्बर्स कृष्णा कुटीर में हैं और महेश जी को जो है L2 में रेफर किया गया है, क्योंकि उनको शुगर वगैरह की शिकायत है। वो टोटल 4 भाई हैं, उनके चारों भाई की फैमिली को जो है हम लोगों ने क्वारंटाइन करते हुए उनके फैमिली से जो भी मेल मेंबर्स थे, हम लोगों ने उनको कृष्णा कुटीर भेज दिया है। इनकी शॉप को भी हम लोग सील कर रहे हैं। इनके शॉप में काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं या इनके यहाँ जो भी दूध देने के लिए आते थे, फल वगैरह के लिए जो आते थे, उन सबको हम क्वारंटाइन करेंगे और सभी जगह को सील करते हुए सैनिटाइज करेंगे। सर, यहाँ के लिए कोई नगर पंचायत के लिए कोई हिदायत दी गई हो इस तरह की सील करने के लिए? कितना 250 मीटर के एरिया में जितनी भी दुकानें और जितनी भी घरें हैं, सारी जो एरिया को हम लोग सील करवा रहे हैं। ये सारा कैंटोनमेंट जोन होगा और इसमें जो है किसी के आने जाने की परमिशन नहीं होगी, किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी। हम लोगों ने सख्ती ये हिदायत दी है कि एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। एक दूसरे से जो है जब भी मिलने की कोशिश हो, अर्जेंसी हो या किसी प्रकार का बुखार या कुछ आ रहा है, तो इमीडिएट जो है CHC नोजिल पे इन्फॉर्म करना है। हम लोगों की टीम आकर के एग्जामिन करेगी और जो भी होगा उसकी सहायता की जाएगी। स्वाति, टीवी, फ्रिज ऐसी सब बंद करो, पानी भरना है, पानी खत्म हो गया। विप्रा पंप कम वोल्टेज में भी देता है भरपूर पानी। हाई क्वालिटी, लो मेंटेनेंस एंड इजी रिपेयर सिस्टम, ISO सर्टिफाइड विप्रा पंप्स एंड